हाँ अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वॉक कर रहा हूँ। वॉक कर रहा हूँ तो मेरे रूम में मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? आपने मेरे को बुलाया है। मैंने कहाँ बुलाया? आपने पहले मेरा दरवाजा नॉक किया, उसके बाद मैंने आपको बोला ठीक है आप इतना तड़प रहे हो कंटेंट देने के लिए तो आ जाओ, मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ आपको। नहीं मैं तड़प नहीं रहा हूँ। तड़प रहे हो? ब्रीदिंग प्रॉब्लम से तड़प रहा हूँ, सर्दी से तड़प रहा हूँ। ब्रीदिंग प्रॉब्लम से तड़प रहे हो तो बोला है ना कि रूम में बैठो। हाँ तो मैं तो रूम में बैठे, आप मेरे को खींच के लाए हो। मैं कोई खींच के नहीं लाई हूँ, गलत इल्जाम नहीं लगाने का। बिल्कुल सही है, ये सही है। ये टू प्रूव। ये क्या, ये बिल्ला क्या लटका हुआ है? ये इन केस इट इज टू बी रिटर्न। ये नया जैकेट है? हाँ ये नया जैकेट है। नया जैकेट है, परचेज विद माय ओन मनी। इन योर ओन मनी? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इधर देखो, इधर देखो, सनलाइट आ रही है। इधर देखो, इधर थोड़े गोरे दिखोगे, सनलाइट आ रही है। गोरे क्या है, देखो मोर देन सिक्स। अभी दाढ़ी क्यों नहीं बनाई है? दाढ़ी में शरीर में जान नहीं है। अरे रहने दो। क्या 25th एनिवर्सरी क्या हो गया है? ऑफ द ब्लैंकेट और ऑफ योर वेडिंग? ब्लैंकेट वो कल जाएगा, कल आएगा। मुझे लगा आप अपनी वेडिंग की बात कर रहे हो। ओ वेडिंग तो वो लो 40 साल हो गए। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। अभी देखते हैं क्या बना है आज, बिकॉज हम चुपचाप जाके पहले देख लेते हैं किचन में क्या बना है। ओके ओह माय गॉड, ये कोई उंधिया खांडवी है, ये बनी है। ये आई थिंक कुछ भरता है, सम मिक्स वेजिटेबल। ये दाल, ये साग, आई थिंक ये भी कुछ है। इतनी सारी चीजें, ओह माय गॉड। तो यहाँ पर ऑब्वियसली काफ़ी शांति है जब फादर अपने रूम में चले जाते हैं। आपको समझ पड़ना चाहिए, जब वो रूम के बाहर निकलते हैं तो सब लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारे पिताजी अपने रूम के अंदर चले गए हैं। जैसे ही वो अपने रूम के अंदर चले गए हैं, लोग अपने रिस्पेक्टिव रूम से बाहर आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द डर व्हेन शशांक रोहतगी इज आउट ऑन अ वॉक इन हिज ओन हाउस इन हिज ओन ड्रॉइंग रूम। पीपल एविक्ट द प्लेस, पीपल रन अवे। आपको समझना चाहिए क्या होता है सबके साथ। अभी मैं आपको कुछ बुक्स दिखाने वाली हूँ। ये जो बुक्स यहाँ पर मेरे बुक शेल्फ में है, ये बुक मैं पढ़ रही हूँ काफी समय से, अभी तक खत्म नहीं हुई, काफी मोटी है। फ्रीडम एट मिडनाइट, ये जब मन होता है तब पढ़ती हूँ। गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में, जिन्ना के बारे में, माउंट बैटन के बारे में। और अभी ये बुक मेरे को पढ़नी शुरू करनी है, हिंदुत्व फॉर चेंजिंग टाइम्स बाय जे नंदा कुमार। क्योंकि ऐसी बुक्स पढ़कर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ हमारे इतिहास के अंदर, हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया गया, कैसे हमें बोला गया कि भारत सेक्युलर बनेगा, सेक्युलर बनेगा, सेक्युलर बनेगा। कब, किसने बनाया? इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने तो संविधान के अंदर अमेंडमेंट करी और सेक्युलर शब्द को इंसर्ट किया, मगर ऑब्वियसली उसके पहले का इतिहास, उसके पहले का इतिहास, क्यों बंटवारा हुआ, ये सब जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब बुक्स पढ़ें। इसलिए मैं ये बुक पढ़ने वाली हूँ हिंदुत्व, एंड साथ साथ में मैं ये बुक पढ़ने वाली हूँ फ्रीडम एट मिडनाइट को खत्म करने वाली हूँ। ये था मेरा छोटा सा बुकशेल्फ।